भाई पिछले साल इसके दोनों सीट हटवा के घर पे रखवा के इसमें बाइक लेके गए थे भरवा के। भाई आपका किस चीज काम है? पीछे बहुत बेकार सीट है, पीछे का पैर नहीं पहुंचता और सीट ये अड़ती है। क्लच में एक बार फूक भी चुकी है इसकी। डीप है इसका बहुत अंदर क्लच। बटन बाहर से लगवाए भाई? हाँ बाद में घुमाने वाला, पहले घुमाने वाला था। देखो आपको देखने में तो इनकी डैडी मूंछ नहीं आ रही, लगेगा ऐसे कि 18 साल के नहीं है, पर भाई आपकी एज क्या है? भाई 19 एज है। भाई आपकी? भाई 20। भाई 20 झूठ बोल रहा है ये। स्कॉर्पियो इनकी डिमांड ना भाई इतनी ज्यादा है कि अभी भी इस गाड़ी के ऊपर में वेटिंग चल रही है। और भाई यार हो भी क्यों ना, क्योंकि देखने में भी अच्छी है, फीचर्स भी सारे हैं, कंफर्ट भी जो है गाड़ी के अंदर में ज्यादा मिल जाते हैं। देखो ओनर से ही पूछते हैं। और भाई ये स्कॉर्पियो के ना लोयर मतलब महिंद्रा के ना यूं लगा लो अब लोयल कस्टमर है इनके पास। मैंने एक वीडियो डाली थी पहले क्लासिक की, वो देख लेना। इनके पास क्लासिक भी है और एन भी है। ये भाई 19 साल का ये गाड़ी चला रहे। भाई कब से चला रहे आप गाड़ी? भाई 3 साल हो गए गाड़ी चलाते। 3 साल हो गए गाड़ी। और आपने ये अपनी स्कॉर्पियो एन कितनी चला दी? ये चल गई 33,000। कितने टाइम पहले ली थी गाड़ी ये? तो पिछले साल फरवरी। एक साल में मतलब 30,000 किलोमीटर चला दी, मतलब अच्छी खासी रनिंग है भाई आपकी। और भाई ये वेरिएंट कौन सा है? ये Z4। Z4 वेरिएंट है भाई। जैसे इससे ऊपर में Z6 आता है, Z8 आता है, उनका क्या रीजन रहा ना लेने का? बजट रहा? अच्छा अवेलेबल नहीं की वजह से आपने ये ली? क्योंकि सबसे पहले मार्केट में जो आई थी ना Z8 L आई थी, फिर उसके बाद Z4 आई थी, Z6 आई थी, क्योंकि Z8 और ये सारी बाद में आई थी। अच्छा इस वजह से आपने Z4 ले ली। और भाई मैंने देखा कि ये गाड़ी 4x4 है। हाँ, इसका क्या रीजन रहा 4x4 लेने का? भाई भाई वो ऑफ रोडिंग करने जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग करने जाते रहते हैं दूर दूर। अच्छा केदारनाथ सब। अच्छा भाई ऑफ रोडिंग आपने मतलब अच्छी वाली कर रखी है या मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बड़े वाली कर रखी है? खेत में लेके इसको वहीं घूम रही थी गाड़ी। अच्छा और कैसा रिस्पॉन्स है गाड़ी के ऑफ रोडिंग में? बिल्कुल बढ़िया है, एक बार भी धोखा नहीं दिया इसने कहीं भी, जब फंस गई कहीं भी। अरे मेरे जमा जम निकलती है भाई। और भाई इसके अंदर में ना आप लोगों ने ये अलॉय व्हील डलवा रखी, कितने के डलवाए इसके अंदर में? ये कंपनी से डलवाए थे। कंपनी से आए थे? हाँ। कितने के आए थे? ये 65,000। 65,000 के अलॉय व्हील। और टायर भी चेंज है ये? हाँ, ये ओल्ड ट्रेन। ये कितने के डलवाए थे? ये है 20,000 का। ये 20,000 का एक टायर है, योकोहामा का टायर है भाई ये। और जैसे इस गाड़ी के अंदर में जो पुराने टायर थे फिर उनका क्या किया भाई? वो वहीं बेच दिए दुकान, वो वहीं चले गए थे। कंपनी से नहीं लगवाए टायर, ये नहीं बात। टायर तो बाहर से लगवाए थे, वो वहीं पे वहीं पर सेल करते। और वो कितने गए थे एक टायर, कुछ अंदाजा है? वो 5,000। 5,000 का एक टायर गया था। ठीक भाई, और गाड़ी के अंदर में क्या क्या करवा रखे हुए आपने? कंपनी से ही करवाया Z4 में, वो इनफोटेनमेंट भी नहीं था, वो वहाँ से लगवाया हुआ है यार। अच्छा 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 अच्छा, आपने वो टॉप वाला लगवा लिया? वो तो आता है इसके अंदर में, टच तो आती है, बट वो एंड्रॉइड वाली आती है इसमें, टॉप मॉडल वाली। वो तो भाई ये गाड़ी लेने में इसमें जैसे आपने क्लासिक में बताया था कि भाई उसमें बात भरना पड़ा था कुछ लाख एक रुपए का, लाख रुपए की एक अलग से एक्सेसरीज ली थी। नवंबर में बुक करी थी, फरवरी माह के में उन्होंने कहा था। दो गाड़ी थी वैसे थी कैसा? एक तो इंट्रो जो बुकिंग से पहले हुई थी। हां पहले ही बुक करी थी, नवंबर में बुक कर दी। एक्सेसरीज दी थी कंपनी वालों ने? हाँ एक्सेसरीज में ही लगे ये अलॉय। अच्छा वो जबरदस्ती दी थी या फिर मन मर्जी? जबरदस्ती वाला सीन यार, महिंद्रा का ना ज़्यादा यही सिस्टम है। महिंद्रा में ना आजकल हर शोरूम में ही हुई है भाई। एक और जिमनी थी ना, जिमनी इतनी हाइप बना रखी थी कि जिमनी आएगी जिमनी आएगी। भाई हमारे खुद के दिमाग में आ गई यार जिमनी, आज जिमनी पे 3.5 लाख से भी ऊपर का डिस्काउंट है, 4.5 लाख रुपए डिस्काउंट चल रहा है। जिसने 17 लाख रुपए की गाड़ी ली है उसका इन लगा लो क्या हाल है भाई। एक और चीज बताओ, कंपनी से आपने इसकी टच चेंज करवाई तो पुरानी टच उनको बेच दी या आपके पास पड़ी है? उनके पास ही है। उनने कुछ पैसे रिफंड करे थे? पैसे नहीं करे, तो फिर उठा लेते हो तो। अच्छा ये फ्री में लगवाई है, पैसे दिए इसके? पैसे ही दिए इसके। कितने रुपए लगे थे? डिस्काउंट कर दिया था, थोड़ी सी वापस लेकर वो डिस्काउंट कर दिया। और कितने की गई थी भाई टच ये? वो तो भी याद नहीं। अच्छा चल सही है। और क्या क्या करवा रखे भाई गाड़ी के अंदर में? स्टेयरिंग व्हील टॉप मॉडल वाला है। अच्छा ये तो बाहर से करवाए तो है ना भाई? कंपनी से ही है, बस स्टेयरिंग पे रैप हो जाएगा। अच्छा और क्या क्या करवाए भाई? और तो पैसे ऐसा कुछ नहीं करवा रखा है ना। ये तो क्रोम भी नहीं आते, क्रोम भी लगवा रखा है? हाँ ये बाहर से लगवाया। ये कितने का लगा था? ये 1800 कुछ के लगा। ये ओरिजिनल है वो वाले हैं? ये कंपनी से है, बाहर से। ये चिपका रखे हैं अंदर डल रखे हैं? ये चिपके हुए हैं? अच्छा और ये वाला क्वार्टर वाला ये चिपका हुआ है शायद? ये नए? हाँ ये ओरिजिनल है और ये चिपके हुए हैं ये वाले हुआ है, पहाड़ का पूरी क्लैडिंग जब लगा है कंपनी से लगा, बाहर से लगवाया। उसमें पता है क्या दिक्कत है? ये पूरा क्वार्टर ग्लास पैनल लटाना पड़ता है। और भाई मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी के ऊपर PPF भी हो रखी है जिसकी अच्छी वाली कर दी आपने, तो कितने की हुई PPF भाई? ये हुई थी 80,000 की। 80,000 कौन सी कंपनी करवा रखी है?
कंपनी तो यहाँ नहीं, यहाँ पे सुल्तानपुर में लगवाई थी हमने। अच्छा 80,000 की यार। अब आपको ऐसा लग, पीपीएफ पहले तो ये बताओ कि लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए, ऐसा बहुत स्क्रैचेस आ गए थे, एक महीने बाद लगवाई थी पीपीएफ। अच्छा, अब यार आपको ये नहीं लगता कि मान लो ये पैनल लग गया तो इसके आपने कॉस्ट पूछी कितने में बदली जाएगी ये? अभी तक तो नहीं पूछी। ये भाई अच्छा खासे रुपए ले लेगी ये बदलने में, पर यूं है गाड़ी का पेंट बच जाता है। बात पता क्या है, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग पर जावे तो जब मिट्टी मुट्टी लग के ना स्क्रैच ज्यादा लगने का चांस रहे, तो यह चीज रहे सोल मार्क्स ज्यादा आ जाएगा। हाँ भाई ये पीपीएफ है इस वाले पैनल पे भी? अच्छा इस वाले है, इस पे भी है, यहाँ पूरे में डेंट आ रखे हैं तो यूं है। बहुत अंदर से लगा था, उसके बाद वापस खिंचवाया, ये रह गया बस। अच्छा कह रहा था डेंटिंग पेंटिंग होगी उसमें। हाँ जी। और गाड़ी के अंदर फॉग लाइट भी लग रखी है, वो कितने की लगी थी? वो लगी थी 5,500 उसकी। यार कंपनी तो 13,000 की बेच रही है उनको, वहाँ पे तो बहुत सस्ती है। ये महिंद्रा की ओरिजिनल है? अच्छा जेन्युइन है ये। और ये पार्किंग सेंसर वर्किंग है? नहीं है भाई, ये जो लग रखे पार्किंग सेंसर ये वर्किंग है। जो आगे पार्किंग सेंसर लग रखे हैं देखो उनका मीटर यहाँ पे लगा हुआ है भाई। यार एक और चीज बताओ, ये आपको सही लगते हैं फोर व्हील ड्राइव जो कंपनी ने इसके अंदर दे रखा है? भाई ये बच्चे ऐसे कर देते हैं तो ये चलती चलती में गाड़ी फोर व्हील लो ले जाती है। लो हाई ले जाती होगी? हाँ हाई ले जाती है। ये बाद में लगवाया बटन बाहर से, बटन बाहर से लगवाया भाई? हाँ बाद में घुमाने, पहले घुमाने वाला था, घुमाते ही 4x4 और हाई और लो। ये बटन बाहर से कैसे लगवा दिया भाई? बाहर से लगाया हमने, कंपनी से लगाया, मतलब बाद में लगाया, लेकिन पहले क्या था 6 महीने बाद, पहले घुमाने वाला था वैसे, बस घुमाने वाला था। हाँ ये बटन वटन कुछ नहीं था। अच्छा अब ये वाला लगा दिया, ये कुछ नहीं। फिर इसके पैसे लिए कंपनी ने? हाँ बाहर से। भाई ये काम करते हैं प्रॉपर? ये जैसे दे रखा है इसमें ये बस लाइट चलती है, दिख चलते नहीं है। अच्छा वैसे लाइट लाइट दे रखी है बस, और ये बटन काम करते हैं प्रॉपर? बटन काम करते हैं। ये घूमने वाला कुछ काम नहीं करता, ये लाइट चलाने का है वैसे ये। और भाई अब मैनुअल चला रहे हो गाड़ी को तो इसके क्लच में लगता है कुछ डीप है? इसका बहुत अंदर है क्लच डीप है, एक बार खराब भी हो चुकी है क्लच की वजह से, पूरा क्लच नहीं दबता मैट की वजह से। अच्छा क्लच प्लेट फूट गई थी इसकी। क्लच प्लेट कितने की डली? क्लच प्लेट डली थी इसकी 30-35,000 की। 30-35,000 की कंपनी से? दो दिन गाड़ी वहीं पे खड़ी रही। अच्छा और जैसे गाड़ी की अभी सर्विस होली होगी 3, जिसमें तेल वगैरह चेंज करते हैं, तो वो कितने कितने की होती है भाई? पहली सर्विस इसकी 9,000 की हुई थी। हाँ जी भाई 9,000 रुपए की? हाँ 9,000 की। क्या क्या चेंज कर रहा था इसमें? इसमें भाई तेल भी तो डले है ना, वो वाला 4x4 का। अच्छा 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 अच्छा, अपनी में नॉर्मल में कुछ नहीं है, इसके 4x4 की भी तो वो है मेंटेनेंस अलग। और अब 30,000 में कितने का हुआ भाई? अभी ये पता नहीं, भाई को बड़े भाई को बताओ, वो ही गए थे लेके। अच्छा अच्छा रे। और भाई एसी का रिस्पॉन्स कैसे गाड़ी का? एसी बहुत बढ़िया है, पहले भाई डंडा करते हैं। क्लच में दिक्कत लगी थी आपको? क्लच में एक बार फूक भी चुकी है इसकी। अच्छा ये वो पूरे मन करता है कि भाई हमें ऑटोमेटिक ले लेनी चाहिए थी। हाँ, इसकी ज्यादा डीप है या वो क्लासिक की जब चला? इसकी ज्यादा डीप है, इसकी ज्यादा डीप है, कुछ कवर की वजह से चलती है, मैट की वजह से अंदर दब नहीं रहा है। अरे मैट की वजह से दिक्कत आ रही गाड़ी में। और भाई गाड़ी की सेकंड रो का कैसे लगता है? भाई सेकंड रो बहुत बढ़िया है। और थर्ड रो? एसी थोड़ा बस मंदा चलता है। एसी मंदा चलता है? हाँ ये पीछे वाला, आगे वाला फिर भी ठंडा करता है, पीछे वाला थोड़ा ऐसे ही है। यार मेरे को पीछे वाला ऐसा लगता है कि तेज चलते हैं, फिर बिल्कुल सीधे मुंह पे हवा मारते हैं। पीछे वाला इसका नहीं पता, नहीं इसका नहीं चल रहा या कैसे नहीं चल रहा, इसका बहुत कम हवा देता है। अच्छा हवा नहीं देता। पीछे कब बैठे हो भाई थर्ड में? पीछे बहुत बेकार सीट है, पीछे का पैर नहीं पहुंचता और सीट ये अड़ती हाइट। अच्छा भाई और ये चीज बताओ कि जैसे गाड़ी चलाते हो अपने, आपकी उम्र से यूं लगता है भाई भगाते हो गाड़ी को? हाँ। है ना भाई पूरी हवाबाजी वाली उम्र है ये, तो कितनी भगा ली भाई आपने? ये अभी 130 तक भगाएगी। 130 में कुछ बॉडी रोल ना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे लगता है कंट्रोल में नॉर्मल चल रही है। मतलब ही है भाई, भाई जैसा बंदा भी बिल्कुल अच्छी भारी भरकम गाड़ी को भगा के आराम से रोक सकता है भाई। हाँ ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी, ब्रेकिंग भी अच्छी है। भाई आपका किस चीज काम है? भाई ये ऐसे एमएलए से जुड़े हुए हैं, तो भाई ने ये एमएलए ने बांटने के लिए दी हुई है, जय श्री राम की भगवान की तस्वीर। यार एक और चीज बताओ कि इसके अंदर में पीछे सीट है, वो सीट हटा रखी है क्या आपने? फोल्ड करी हुई है बस। अच्छा फोल्ड कर रखी है। वैसे भाई यूं है काफी ज्यादा सामान आ जाता है ना गाड़ी के अंदर में? पूरे सामान आ जाते हैं। चल बढ़िया भाई। और ये इसमें टायर में हवा कम है या ऐसी रहते है भाई ये टायर? ये इसमें कितनी टायर और इसमें इतनी हो जाती है वापस? ऐसा क्यों भाई, रीजन? और भाई यार एक और चीज है, मेरे को ये भी सुनने में आया कि महिंद्रा की गाड़ी है टायर जल्दी खा रही है स्कॉर्पियो। भाई इसके तो पता नहीं अभी 30,000 चल गई है, पता नहीं कितना होगा इसका। भाई टायर तो गणी खा रखे हैं वैसे इसके।
इस टायर में तो वैसे भी गुद्दा बहुत रही करे टायर ही है इसके खड़े खड़े घुमा देते हैं 40 में। अच्छा 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 वो यार वो और जलवे जवानी का खून है ना वो वो वजह से है भाई इस वजह से टायर ज्यादा खाती है। अभी ना भाई कावड़ का सीजन चल रहा है और भाई क्या करा था आपने पिछले साल कावड़ में? भाई पिछले साल इसके दोनों सीट हटवा के घर पे रखवा के इसमें बाइक ले गए थे भरवा के। एक बाइक गई थी इसमें पूरी तरीके से आ गई थी। अच्छा आराम से आ गई थी। भाई बाइक जो है गाड़ी गाड़ी के अंदर ही डाल के लेके गए थे। चलो भाई ठीक है यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।